दुनिया के सबसे बड़े जंगल के रूप में जाना जाने वाले अमेज़न जंगल का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है, बल्कि आज से करोड़ों साल पुराना है। दोस्तों, हर तीसरे दिन इस जंगल में एक नई स्पीशीज की खोज कर ली जाती है। इस पूरे जंगल के अंदर लगभग 50 करोड़ पेड़ मौजूद हैं, और यही वजह है कि इस जंगल को हमारी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। हमारी पूरी पृथ्वी पर तकरीबन 20% ऑक्सीजन सिर्फ इस जंगल से ही आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा जंगल वीरान पड़ा हुआ हो। इसके अंदर लगभग 20 लाख लोग रहते भी हैं, और यहाँ रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। इस जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अभी तक नहीं देखा गया है, इसलिए इस घने जंगल के अंदर और क्या क्या छुपा हो सकता है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। वैसे तो ये जंगल कई सारी मिस्ट्रीज का घर है, लेकिन आज हम इस वीडियो में अमेज़न जंगल से जुड़ी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, और ये मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए सर का दर्द बनी हुई हैं। वैसे तो इस जंगल में कई सारे कबीले हैं, लेकिन इस जंगल में रहने वाला एक कबीला है जिसे परिपकुरा के नाम से जाना जाता है। ये कबीला वेस्टर्न ब्राजील में निवास करता है। पहले ये कबीला काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब इस कबीले में बहुत ही कम लोग रह गए, और वैज्ञानिकों को भी इस कबीले के बारे में साल 1998 में पता चला था, जब पहली बार इस कबीले के लोगों को बाहर की दुनिया ने देखा था। हालांकि इनकी भाषा तो किसी को समझ नहीं आ पाई, लेकिन इनके बोलने के तरीके से पता चल रहा था कि ये काफी ज्यादा तकलीफ में हैं और अपनी परेशानियां बता रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब इनकी बातों को डिकोड किया तो पता चला कि एक समय में उनका कबीला काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ लोग माइनिंग करने के लिए यहाँ आए और इस कबीले के सभी लोगों को मार डाला, जिसमें से सिर्फ 30-35 लोग ही बचे थे। इस तरह के कई सारे ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया जी रहे हैं। ये लोग यहाँ किस तरह से आए इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। द सिटी ऑफ गॉड, एल्डोराडो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सबसे बड़ी मिस्ट्री इसी को कहा जाता है। बताया जाता है कि एक समय में यहाँ सोने का एक शहर हुआ करता था जिसको एल्डोराडो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा शहर था जो पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था। इस शहर के राजा कुछ अजीब तरह के रिचुअल्स भी किया करते थे। ये राजा इतने अमीर हुआ करते थे कि ये सोने से नहाया करते थे। 16वीं शताब्दी में जब यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए, जहाँ इस वक्त अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है, ये लोग इस जगह कब्जा करने के इरादे से आए थे और अपने साथ कुछ सैनिक और ऑफिसर्स को भी लेकर आए थे। यहाँ पर आकर ये लोग इस जंगल के लोकल लोगों से मिले जिन्होंने जंगल में अपने शहर बसा रखे थे। यूरोपियंस ने यहाँ आकर इन लोगों के शहरों के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और यहाँ पर रहने लगे। 16वीं शताब्दी का समापन होते होते यूरोपियंस को पता चला कि इस जंगल में एक ऐसा भी शहर मौजूद है जो पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है। बस फिर क्या था, इन यूरोपियंस ने इस सोने के शहर को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे अमेज़न रेनफॉरेस्ट में घूमने के बाद इन्हें जंगल में कई सारे कबीले तो मिल गए, लेकिन वो शहर नहीं मिल सका जिसकी ये तलाश कर रहे थे। लेकिन इस शहर की तलाश में इन लोगों को यहाँ काफी सारा सोना जरूर मिल गया। ये लोग पूरे 200 साल तक इस शहर को ऐसे ही ढूंढते रहे, और जब इतने समय तक ये शहर नहीं मिला तो फिर एल्डोराडो को एक झूठी कहानी और मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन अभी भी इस शहर की खोज खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी आती है, तब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट एक बार फिर से इस शहर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं। उन्होंने अमेज़न जंगल के अंदर बहुत सारी खोजें की थी, लेकिन इतनी बार रिसर्च करने के बाद भी पर्सी फॉसेट को एल्डोराडो तो दूर की बात है, बल्कि वो शहर भी नहीं मिल सके जिनके बारे में यूरोपियंस ने बताया था। इसके बाद साल 1925 में इन्होंने अपनी लास्ट खोज की। इस खोज में पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल के बीच में इस शहर की तलाश कर रहे थे, और इसी साल इनसे आखिरी बार कांटेक्ट किया गया था। इसके बाद ये कहां गए किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाया। पर्सी फॉसेट ब्राजील से गायब हुए थे। पर्सी फॉसेट को ढूंढने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन आज तक ना तो पर्सी फॉसेट मिल सके और न ही उनकी कोई निशानी मिली। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की एक मिस्ट्री ये भी है कि जब साल 2019 में वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे तो उनको नॉर्थ ब्राजील में एक आइलैंड है जिसका नाम है माराजो आइलैंड, वहां पर उनको एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिलती है। अब ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये व्हेल अमेज़न नदी से बाहर अमेज़न जंगल में जमीन के ऊपर किस तरह से पहुंच गई। असल में ये एक व्हेल का बच्चा था जिसका वजन तकरीबन 10 टन था। आमतौर से सर्दियों के वक्त यानी कि अक्टूबर से नवंबर तक ये व्हेल अमेज़न जंगल के करीब रहकर नदी में गर्म पानी का एंजॉय करती है, लेकिन इसके बाद खाने की तलाश करने के लिए साउथ की तरफ अंटार्कटिका के करीब पहुंच जाती है। अब सोचने वाली बात यह थी कि आखिर फरवरी के महीने में ये व्हेल अमेज़न जंगल में किस तरह से पहुंच गई। जब इस व्हेल के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि जिस दिन ये व्हेल मिली थी इसकी मौत इससे सिर्फ 4 दिन पहले ही हुई थी।
इसके अलावा इसके मरने की वजह भी किसी को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ना तो इसकी एज ज्यादा थी और ना ही इसकी बॉडी पर किसी चोट के निशान थे। इस मेल के मिलने के बाद कई सारे सवाल वैज्ञानिकों के सामने खड़े हो गए कि आखिर ये व्हेल इस मौसम में यहाँ किस तरह से पहुंच गई, और ये समुद्र से अमेजन रिवर में किस तरह से आ गई, और अमेजन रिवर से अमेजन जंगल में कैसे आई, और आखिर इसकी मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज तक इस मिस्ट्री को भी नहीं सुलझाया जा सका है।